अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज जो मैं आप सबके लिए रेसिपी लेके आई हूँ उसका नाम है मैगी पकोड़ा। आज मैं मैगी के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही जायकेदार होते हैं, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी। बेसन 1 कप, ये मैगी नूडल्स हैं, इनको मैंने बॉयल कर लिया है, छोटा पैक मैंने लिया था। प्याज 1 मीडियम साइज की, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये गाजर और शिमला मिर्च है, इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, 3 टेबल स्पून। बेकिंग सोडा 2 पिंच, रेड मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, धनिया 3 टेबल स्पून, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें ले लें 2, उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो चलिए मैगी पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसन के अंदर हम प्याज डाल देंगे, गाजर और शिमला मिर्च डाल देंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे, तमाम मसाले डाल देंगे, हरा धनिया और ये सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। इसके अलावा ये नूडल्स हैं, ये हम डाल देंगे इसमें। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका पकौड़ों वाला बैटर बना लेंगे। ना ज़्यादा पतला रखना है बैटर, ना ही ज़्यादा सख्त, इसको अच्छी तरह से ऐसे हम मिलाते जाएंगे। थोड़ा सा और पानी डालूंगी और अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, पकौड़ों को फ्राई करते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर पकौड़े डालती जाऊँगी, हमारी मैगी के पकौड़े जो हैं, बड़े छोटे आप अपनी साइज से बना सकती हैं, अपनी पसंद के हिसाब से। साइड बदल देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं। पकौड़ों को निकाल लेंगे, आराम आराम से ऐसे प्रेस करेंगे, ऐसे ऐसा। साइड चेंज कर लेते हैं। ये देखिए व्यूअर, दूसरी साइड्स भी हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। Thank you.
देखिए व्यूवर्स, हमारे मैगी के पकोड़े बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।